चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और योग दिवस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर इसे देश में मनाया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर से भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने सभी राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक की है और प्रदेश मुख्यालय से लेकर प्रदेश के मंडल स्तर तक योग दिवस की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो योग दिवस की तैयारियां लगातार चल रही है और बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तमाम प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ देहरादून में योग दिवस को लेकर के तैयारियां जो है वो देखी जा रही है। बीजेपी ने योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी है, लगातार इसको लेकर के तमाम चीजें की जा रही है। भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहां पर मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ बीजेपी ने इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी। तो देहरादून में योग दिवस को लेकर के तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें बीजेपी ने योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी है। योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए इसके लिए तैयारियां की जा रही है। ये तो योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 193 देशों पर प्रारंभ कराने का श्रेय अगर किसी को प्राप्त है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। अब की बार जो 21 जून को योग दिवस होने वाला है उत्तराखंड, उस पर बड़ी तैयारी हो रही है। पूरे नेशनल स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है। माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री अपने तरुण चुग जी, अपने राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी ने अभी 10 बजे से एक वर्चुअल बैठक करी है और पूरे देश के सभी राज्यों पर उसकी तैयारी शुरू हो रही है। हमने भी आज वर्चुअल की तैयारी शुरू करी है। जिला स्तर पर हम इसके कार्यक्रम करने वाले हैं और मंडल स्तर पर भी प्रत्येक मंडल पर हम कार्यक्रम करने वाले हैं। मंडल पर कौन हमारा जनप्रतिनिधि जाएगा, कौन हमारा पदाधिकारी जाएगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक सरोकार को साथ में रखते हुए जितनी अपनी संस्थाएँ हैं, जितने अपने धार्मिक संगठन हैं, अपने इस योगा क्लास को चलाने वाली जितनी संस्थाएं हैं उन सबको साथ में जोड़कर 21 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम हम करने वाले हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, किस तरीके से योग दिवस को लेकर के तैयारियां उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? जी देखिए, सबको पता है कि योग हिंदुस्तान योग की जननी है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं ये 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मशहूर हुआ वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन किया उसी क्रम में हर वर्ष हम लोग देखते हैं कि 21 जून की तैयारी की जाती है और 21 जून को पूरे हिंदुस्तान में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने 21 जून को पहला आप कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन कर रही है जो कि हिंदुस्तान के हर राज्य में आयोजित किया जा रहा है। देहरादून में भी होना है, देहरादून क्या मैं कह लूं कि पूरे उत्तराखंड में होना है और उत्तराखंड के साथ साथ ये लगभग आप समझिए भारतवर्ष के सभी राज्यों के साथ साथ हिंदुस्तान के अन्य देशों में 193 देशों में इसका आयोजन होता है। लेकिन हिंदुस्तान में इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एफर्ट लेते हैं। इस बार भी अन्य जगहों वह खुद कश्मीर जा रहे हैं और उसी क्रम में उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वह योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। जी संजय जी, इसकी तैयारियां किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रही है? इसी के साथ साथ कौन से बड़े नेता जो है वो इस बार इस योग दिवस में शामिल होने वाले हैं? उत्तराखंड में के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम वह मुख्य रूप से यहाँ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे। उनके सांसदों में भी चर्चा है कि 3 सांसद भी उत्तराखंड में योग दिवस मनाएंगे। मुख्यमंत्री खुद वह तैयारी कर रहे हैं, नैनीताल में उस दिन रहेंगे और उसके साथ ये भी चर्चा है कि पहाड़ की किसी ऐसी जगह से मुख्यमंत्री योग दिवस मना सकते हैं जिससे एक मैसेज जाए कि स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण लोग हैं, जितने महत्वपूर्ण चेहरे हैं वह इस योग दिवस में जरूर शामिल होंगे। जी संजय जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है और 21 जून को इसे भव्य तरीके से मनाया जाने वाला